बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा हादसा टल गया जब स्पाइसजेट के एक विमान की एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद इंजन में आग की सूचना मिली, जिसके बाद फ्लाइट की वापस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि जिस समय विमान में आग लगी उसमें 185 यात्री सवार थे। उधर पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर ए प्रकाश ने जानकारी दी कि उन्हें विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल से मिली। उन्होंने बताया कि यात्रियों से भरी फ्लाइट करीब 15 मिनट तक हवा में उड़ती रही। हालांकि सुरक्षित लैंडिंग से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमारे साथ पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये घटना क्या हुई, कैसे हुआ, क्या बताएं? साहब, ऐसा हुआ कि फ्लाइट जो टेक ऑफ करने के बाद ये पता चला कि उसके जो एक इंजन है उसमें आग लग गई है। तो उसमें इंजन जब आग लग जाती है या इस तरह की कोई भी जो स्थिति होती है, जब वो पता चलती है, तो इमीडिएटली उसके ऊपर जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके तहत हम लोगों ने फुल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी एयरपोर्ट के ऊपर। और फुल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद अपना जो एयरक्राफ्ट था उसको सेफली वापस लैंड कराया गया वापस एयरपोर्ट के ऊपर। और एयरपोर्ट पे वापस लैंड करने के बाद सारे ही पैसेंजर्स को, 183 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे प्लस 2 इन्फेंट्स, उनको सबको उतार लिया गया और सब सुरक्षित हैं। तो ये विमान जब लैंड हुआ, क्या उस समय भी आग लगी हुई थी क्या? अब साहब ये तो कहना मुश्किल है कि जो समय उसमें आग थी या नहीं थी। बाकी तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ये आपको कैसे पता चला? ट्रैफिक कंट्रोल से पता चला। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि ये रिपोर्टिंग हुई है कि जो वन ऑफ द इंजन, एक इंजन में जो है उसने आग पकड़ी है। कहा जा रहा है कि विमान का फिटनेस नहीं था, क्योंकि विमान जब उड़ रहा था पैसेंजरों ने बताया उसी समय से लग रहा था कि कुछ ना कोई गड़बड़ है इसमें। साहब ये तो देखिए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब जैसे जैसे जो आगे इन्वेस्टिगेशन होगा ही इसका बारीकी से, तब फिर समझ में आएगा। कौन इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, जो भी, पहले तो स्पाइसजेट वाले भी करेंगे अपना और डीजीसीए भी करेगी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जी बिल्कुल करेंगे। कितनी देर जो भी होगा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी करेगी। जी बताएं कितनी देर तक ये विमान हवा में रहा होगा? उनको जानकारी है कितनी देर बाद लैंड करता है? मेरे अंदाजे में इट्स अबाउट 15 मिनट रहा होगा सर। 15 जी। सारे यात्री सुरक्षित हैं? सभी यात्री सुरक्षित हैं। किसी को कोई चोट नहीं आई? नहीं नहीं सर, बिल्कुल। और एयरपोर्ट के अंदर जो इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सब कुछ तैयार? सारी गाड़ियां तैयार थी। ऑलरेडी हमारा जैसे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है उस समय, उससे पहले भी कंटिन्यूसली इंजन ऑन होते हैं सारे हमारे जो एयरक्राफ्ट फायर टेंडर्स होते हैं उनके, और सभी तत्पर रहते हैं। जैसे ही फुल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई तो सारे ही जो फायर टेंडर्स होते हैं वो सारे इन ऑपरेशन थे। प्रोसीजर क्या होता है जो फिटनेस का, रोज फिटनेस होता है विमानों का या क्या? सर इस पे तो एयरलाइन ज्यादा प्रकाश डाल पाएगी कि उनका क्या सिस्टम है। हम एज एन एयरपोर्ट ऑपरेटर ये इसमें नहीं बता पाऊंगा आपको। टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो एयरलाइन आपको बता पाएगी। वहीं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए ने जानकारी दी है कि पक्षी के टकरा जाने से विमान के पंखे की 3 पंखुड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप आग लग गई और इंजन 1 बंद हो गया था। ये देखते हुए पायलट ने विमान की लैंडिंग कराने का फैसला लिया। वहीं विमान से उतरे यात्रियों ने बताया कि उड़ान भरने के दौरान ही विमान में कुछ अलग तरह की आवाज आने लगी थी। टेक ऑफ करने के दौरान लग रहा था कि विमान उड़ने के बजाय सीधे हवाई पट्टी के आखिर में बनी दीवार से भिड़ ना जाए। जब विमान ने उड़ान भरी, खड़खड़ कर आवाज आने लगी और तभी अचानक हवाई जहाज की लाइट्स बंद चालू होने लगी। बीच बीच में अंधेरा छाने लगा, इससे यात्रियों की सांसें हलक में अटक गई। चीख पुकार मची तो क्रू मेंबर्स ने यात्रियों को तसल्ली दी। फिर पटना रनवे पर जब इमरजेंसी लैंडिंग हुई तभी सबने राहत की सांस ली। जैसे ही प्लेन यहां से उड़ा ना, तो पहले लगा कि ये दीवार से ही टकरा जाएगा, बाउंड्री वॉल से टकरा जाएगा ऐसा लगा, और घड़घड़ 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 की आवाज आने लगी भरते ही, उड़ान भरते ही। उसके बाद में इसके बाएं वाले इंजन से आग निकलने लगा,
और उसके बाद में शॉर्ट सर्किट हो गया, जितनी भी अंदर की लाइट्स थी उस सब में शॉर्ट सर्किट होने लगा, और उसके बाद में प्लेन जो है ना ऊपर नहीं जा रहा था, नीचे नीचे उड़ रहा था। उसके बाद काफ़ी यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप चुपचाप बैठे, तो लगा कि कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं, हम लोग को तो लग गया था कि इसमें आग लग गई है, ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था। उसके बाद में फिर प्लेन जो है ना ऊपर उड़ान पूरी ले नहीं रहा था, उसको थ्रस्ट नहीं मिल रहा था ऊपर जाने के लिए। अल्टीमेटली फिर ऐसा हुआ कि हमको लगा कि फिर उसने अनाउंस ही कर दिया, हमको लगता है आरा के आसपास जाकर के उसने वापस लिया है। कितने देर तक रहा हवा में? हवा में रहा करीब 15 से 20 मिनट। कुछ स्मेल आया था धुआं की तरह। आप भी उसी फ्लाइट में थे? हाँ, उसी फ्लाइट में थे। क्या हुआ? अरे अचानक से जैसे ही टेक ऑफ की, टेक ऑफ करते ही नीचे से लाइट फ्लैश होना शुरू हुआ। अब सवाल कई है, सवाल ये भी है कि अगर विमान में कोई तकनीकी खराबी पहले से ही थी तो फिर ये फैसला क्यों किया गया? 185 यात्रियों की जान को खतरे में क्यों डाला गया? पर इन सबके बीच राहत भरी खबर ये है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पटना से सुजीत कुमार झा की रिपोर्ट, बिहार तक।